सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। जिला गाजीपुर के सैदपुर पुराना कोल्ड स्टोरेज के पास से चोरी लूट फाइनेंस की ट्रक, बोलेरो कार एवं पिकअप आदि गाड़ियों का फर्जी कागजात तैयार कर पश्चिम बंगाल आदि पूर्वोत्तर राज्यों में ले जाकर बेचने वाले तीन अंतर्राज्यीय सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक ट्रक, 5 मोबाइल फोन और कूटरचित अभिलेख भी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि इन लोगों का एक संगठित गिरोह है जो उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर के अन्य प्रदेशों तक सक्रिय है। यह लोग चोरी लूट एवं फाइनेंस के ट्रक, बुलेरो, पिकअप आदि वाहनों को कम मूल्य पर खरीद लेते हैं और इसका मूल इंजन व चेचिस नंबर मिटा देते हैं और उचित मूल्य पर बेच देते हैं। पुलिस द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद गाजीपुर के थाना सैदपुरा क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर पुराना कोल्ड स्टोरेज के पास से अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल से, कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर। हम नहीं रुकते।